चलो आज एक बात हमको बता ही दो कि तुम लोग सुधरोगे का ही नहीं, मतलब कि कौन सा ऐसा घुट्टी, कौन सा ऐसा बूटी पिए थे बचपन में कि तुम थेथर हो गए, थुत्थुर हो गए तुम लोग, कि जब तक तुम लोगों का कुटैया नहीं होगा तब तक तुम लोगों का सुधरैया नहीं होगा। हमको ये बात बताओ कि ऐसा क्यों है कि जब तक ठुकेगा नहीं इंडिया तब तक सुधरेगा नहीं इंडिया, जब तक ठुकेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं, मतलब कि ऐसा क्या है? हमको एक बात बताओ यार, पूरा देश, हर एक मतलब कि अलग अलग कंट्री विश्व का, चाइना कुछ नहीं कर पाया, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, इटली कुछ नहीं कर पाया, उनके पास हमसे ज्यादा अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया, तो हम और तुम क्या उखाड़ लेंगे भाई? यहाँ के वैज्ञानिक एकदम हाथ खड़ा किए हुए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कोरोना से आप घर में रुक सकते हैं तो रुक जाइए, आप संक्रमण रोक लीजिए। और तो ये चीज तुमको दिमाग में क्या नहीं घुस रहा है भाई? तुमको अभी ये सब कुछ करना है? अभी वीडियो देख रहे हैं हम, रुझान आने सामने हो गए हैं, जब पुलिस कूट रही है ना तो वो वीडियो देख रहे, कोई कह रहा है हम नर्मदा जी के दर्शन करने जा रहे थे, और कोई कह रहा है कि हमें बहुत जरूरी काम था। अबे हमको तुम एक बात बता दो, इसी 21 दिन के अंदर में तुम क्या अंबानी को पीछे छोड़ने वाले थे? हाँ, हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है तुम्हारा, और तुम्हारे जान से ज्यादा तुम्हारा ये पैसे हैं। हमको तुम एक बात बताओ, तुम अपनी बीवी बच्चे माता पिता सबको घर पे छोड़ के तुम बाहर जा रहे हो काम करने के लिए, और वो बीवी बच्चे वो तुमको नहीं रोक रहे, वो भी तुमको रोक रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हारी तो दादागिरी चलती होगी घर में, तुम तो बॉस हो क्योंकि तुम कमा के ला रहे हो पैसा, तो तुम तो उनकी सुनते नहीं होगे, तुम सीधे निकल लेते होगे और तुम जाके पैसा लेके आ रहे हो। तुम पैसा लेके आ रहे हो कि कोरोना लेके आ रहे हो क्या पता? हाँ, जिस बीवी बच्चे के लिए तुम कमा रहे हो तुम उसी की जान का परवाह नहीं कर रहे हो। हाँ, अभी मान लो कि पूरा परिवार निकल लिए, क्या करोगे? तुमको इसी सदी में, इसी मतलब कि ऐसा कौन सा काम है भाई, 21 दिन में कीड़े मचे हुए, कीड़ा काट रहा है इनको कि 21 दिन में ही हमको पूरा एकदम अंबार लगा देना है लक्ष्मी जी का एकदम। अबे तुम सुधर, थुत्थुर थेथर, ठीक है, इन भाषा का प्रयोग किया जाता है हमारे इधर, तो तुम ये चीज समझ लो, ये बात अपने दिमाग में कनपट्टे में घुसा लो कि तुमको बाहर निकलना ही नहीं है। देश का प्रधानमंत्री भाई बोल रहा है लक्ष्मण रेखा खींच दो यार, नहीं जाना है बाहर, पूरा कंट्री लॉकडाउन है यार, ट्रेन नहीं चल रहा, फ्लाइट नहीं चल रहा, समझ रहे होगे? मतलब कि पूरा देश रुक गया है, युद्ध की स्थिति में भी ऐसा नहीं होता है, तुमको ये चीज समझना पड़ेगा। कोई कह रहे हैं नहीं नहीं हमको तो कोरोना नहीं होगा, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। भाई कोरोना पूछ के आएगा क्या कि आपके चचा विधायक है? आपके चचा विधायक नहीं है तो हम आपको मतलब कि डस लेंगे, आपके पास आ जाएंगे, और आपके चचा विधायक है तो आपको बगल से ऐसे कल्टी मार लेंगे। हां, भेजा में नहीं घुस रहा है, फोन ऐसे यूज करते थे, अभी करो यूज, टीवी देखो, जो करना है करो, साबुन होगा घर में चार बार धोया करो हाथ, गर्म पानी पियो, जो जो चीज, जो जो हमारे लिए बैंकर्स, हेल्पर्स, डॉक्टर्स, पुलिस वाले, मीडिया वाले सब पागल है क्या? उनको पागल कुत्ते ने काटा है कि वो बार बार घूम के और बार बार वो अपना जान हथेली पर देके और तुम लोगों को बता रहे, समझा रहे? तुम्हारे भेजा, तुम्हारे दिमाग में क्या नहीं घुस रहा है? और तुम सबसे बड़े कमासू तो, और बाकी सब जो बैठ रहे घर में वो नल्ले हैं क्या? सरकार इतना जो सबको कह रही है कि हम अब बैठो घर में, हम खाना देंगे, हम राशन देंगे, उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, क्या वो पागल है क्या? उनके यहां पे कुछ लिखा हुआ है क्या? और तुम सबसे ज्यादा काबिल के फचाक तुम ही हो कि तुमको बाहर निकलना है, तुमको कभी चिल मार रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। अबे बाद में कर लेना यार, 21 दिन के बाद कर लेना, ठीक है, बहुत टाइम बचा हुआ है, तुम अपने जीवन रेखा में बहुत बहुत लिखवा के लाए, हम समझ गए, तुम बहुत मतलब कि तुमको कुछ नहीं करेगा कोरोना, लेकिन तुम अपने परिवार का सोच लो, उनको कुछ कर सकता है, ठीक है, अपने टोला मोहल्ला का सोच लो, अपने पड़ोसियों का सोच लो, ठीक है, तुम्हारी पूरी बॉडी लैमिनेशन करवा के तुम आए थे, ऊपर से पैदा हुए थे, तुमको कोरोना कुछ नहीं कर सकता है मेरे भाई, लेकिन इतने ज्यादा थुत्थुर मत बनो, मत निकलो बाहर यार, मत निकलो प्लीज, देश का प्रधानमंत्री वही नहीं कहता, मत निकलो बाहर, मेरी गुजारिश है प्लीज।